अक्सर देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तो ये दर्द क्यों होता है? आज हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये दर्द दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है ये उन लड़कियों में या उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिनके पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो उनका जो ये दर्द है ये पीरियड्स आने के एक दो दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और पीरियड के 72 घंटे के अंदर बना रहता है और उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है। इसमें जो दर्द होता है वो कमर से लेकर पैरों तक, पंजों तक बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। इसमें पीरियड्स के दौरान आपको दिल मचलाना, उल्टी जैसा फील होना और आपका पेट भी खराब हो सकता है, ये एक सामान्य लक्षण है। अब हम बात करते हैं पीरियड्स में होने वाले दर्द के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहते हैं। ये जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है ये कौन सी उम्र की महिलाओं को ज्यादा होता है? अगर आपकी उम्र 25 से 40 वर्ष की है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये दर्द तो आपको पहले भी होता था बट अब इसमें दर्द की मात्रा आपको बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये पीरियड आने से बहुत दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और पीरियड आने के बहुत दिन बाद भी बना रहता है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये सेकेंडरी डिसमेनोरिया है। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, ये सारी चीजें हम सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है आपके यूट्रस में कोई सूजन हो, आपके यूट्रस में कोई गांठ हो, या फिर आपको कोई वजाइना में इन्फेक्शन हो गया हो जिसको हम लोग PID बोलते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये सारे कारण भी हो सकते हैं और आपको काफी सारे लक्षण और देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो पीरियड का ब्लड है उसकी मात्रा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और आपको सेक्स करने में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। ये सब सेकेंडरी डिसमेनोरिया के लक्षण है। तो जो यूट्रस की अंदर की परत होती है एंडोमेट्रियम, वो हमारे अंदर होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन के स्तर को बढ़ा देती है जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ब्लड बाहर आता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें ये दर्द महसूस होता है। ये उन महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है जो ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ज्यादा भोजन फैटी फूड और स्पाइसी फूड इनका सेवन ज्यादा करती हैं, तो ये सब चीजें उन महिलाओं में ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इनसे होने वाले उपचार के बारे में कि इसके बीमारी के उपचार क्या हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हमारे बनाए गए वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपका पेन प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर आता है तो इसमें आपको किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो अपने आप बंद हो जाती है। मैं उन मदर से कहूंगी जिनके बेटियों को अभी पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं या पीरियड्स हो रहे हैं, वो अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि वो अपना रेगुलर रूटीन जिए, नॉर्मली स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, स्पोर्ट्स में पार्ट लें, साइकिलिंग करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो अपने रूटीन में करती हैं, उनको करती रहें क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक हमारे शरीर की नेचुरल सी प्रक्रिया है जो उसमें होने दें। और अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा सहनीय है, आपको ऐसा लगता है कि आप इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप कोई मेडिसिन भी ले सकती हैं। लेकिन इस समय में आपको फैटी फूड, स्पाइसी फूड और चाय और कॉफी को लेने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप गर्म बॉटल की शिकायत भी कर सकती हैं और अदरक, नींबू या पुदीना को गर्म पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार आप पी सकती हैं, उससे भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। और अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है, आपको ब्लड ज्यादा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है क्योंकि हमें उसके कारण को जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीजें हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से भी हमारा जो पीरियड है वो
इस तरह से गड़बड़ा सकता है, उसमें पेन बहुत ज्यादा होने लगता है कि ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यूट्रस में देखना चाहिए कि उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहीं हार्मोन में प्रॉब्लम है कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, आपको कोई गांठ हो गई है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये सारा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और अपने डॉक्टर से मिलके अपने कारण को जानिए अपने बीमारी के और उसका तुरंत इलाज करिए, क्योंकि जब आप कारण जानेंगे ही तभी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।